यूपी के बुलंदशहर में एक दरोगा की हरकत से पुलिस की वर्दी पर फिर दाग लग गया। दरअसल दरोगा की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो एक बुजुर्ग ने दरोगा को रिश्वत देते हुए बनाया, इसके बाद इसे वायरल कर दिया गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं एसएसपी ने मामला संज्ञान में लेते हुए आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया। इस वायरल वीडियो में नोट गिनकर रिश्वत लेते दिख रहा ये बुलंदशहर के ककोड़ थाने में तैनात दरोगा बीरपाल सिंह है। दरअसल ककोड़ थाना क्षेत्र निवासी तेजपाल सिंह का अपने ही भतीजे से मकान को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन भतीजे की पत्नी तेजपाल के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर परेशान करती रहती है। आरोप है कि 5 दिन पहले दरोगा बीरपाल ने रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देकर तेजपाल से 500 रुपए की रिश्वत ले ली, जिसकी तेजपाल ने वीडियो बना ली और उसे वायरल कर दिया। तेजपाल का आरोप है कि 3 बार पहले भी ककोड़ थाने का दरोगा जेल भेजने का भय दिखाकर घूसखोरी कर चुका है। इस बार तेजपाल ने वीडियो बनाकर ही वायरल कर डाला। वहीं मामला संज्ञान में आते ही एसएसपी ने रिश्वतखोरी के आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं प्रशासन सुधरने का नाम ले रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह, एक रिश्वत की वीडियो वायरल हुई है, आप ही ने वीडियो बनाई है, क्या है पूरा मामला? जी सर, मामला ये है, मेरे पैतृक गांव बिछड़ सुजानपुर में मेरा पैतृक हिस्सा है मकान का, जिस पर मैं पूर्णतः काबिज हूँ, और मेरे भतीजा है एक दारोगा, जिसकी पत्नी है पूजा देवी, जो अपने मायके में रहती है भतीजे को साथ में लेकर, और आए दिन प्रार्थना पत्र देती रहती है कि मेरे मकान का ताला तोड़ दिया और उसमें मेरा सामान ले लिया, मेरे सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए, इस तरह का प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री कर देती है और पुलिस ले जाकर मेरे को धमकी देती है संगीन धाराओं में फंसाने की, और नहीं तो कहती है या तो कुछ खर्चा पानी कर लो। अब मुझे तो पहले कई दरोगाओं ने, एक विकास अग्निहोत्री थे उन्होंने 7,000 ले लिए थे, एक कोतवाल रहे 1.5 साल पहले उन्होंने 5,000 रुपये ले लिए थे, अब 10-20 दिन से ये दरोगा जी पीछे पीछे पड़े हुए हैं जो थाना कपूर में है, बीरपाल सिंह दरोगा जी। इनको कितने रुपए की रिश्वत आपने दी? इन्होंने मेरे से कॉल करके 1:11 पर कॉल की थी, 4-5 रोज पहले, 5-6 रोज हो गए, बोले भाई 5,000 रुपये की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं ये लूट का डकैती का मुकदमा लेकर जेल भेज दूँगा। तो मैंने कहा सर मेरे खिलाफ, मैं तो बहुत वैसा आदमी हूँ, मैं लूट डकैती कर रहा हूँ, मैं तो अपने समय गुजार रहा हूँ। बोले कुछ नहीं, क्या आ रहा हूँ मैं, व्यवस्था करो पैसे की। मैंने कहा सर आ जाओ, मुझे बताओ तो सही क्या है। मैं तो लाए, मुझे प्रार्थना पत्र दिखाया मेरे घर पर आकर, बोले 5,000 रुपये दे, मैं मुकदमा कायम हो जाएगा। मैंने कहा सर मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है। कितने रुपए की रिश्वत दी आप? अब फिलहाल जबरन उन्होंने 500 रुपये ले लिए, बोले 1-2 दिन में व्यवस्था कर दो 4,500 रुपये की, नहीं तो जेल चले जाओ। इस मामले की तुमने किसी अधिकारी से शिकायत की है? मैंने जन सुनवाई केंद्र पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पर पोर्टल ऐप पर डाला, और मैंने खूब प्रार्थना पत्र में हल्ला मचाया ये कि मैं किसी इस विभाग से इन दरोगा जी की जांच नहीं चाहता हूँ, डीएम कार्यालय के किसी भी उच्चाधिकारी से जांच चाहता हूँ, ताकि मुझे पूर्णतः न्याय मिले। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है इस विषय में? अब 3-4 दिन से जो उनका CEO साहब के यहाँ से कार्यालय से फोन आ रहा है, और वो कह रहे हैं आके जो सही तरह से बयान दे दो, नहीं तो तुम्हें फंसा देंगे। आपने बयान दिया? मैं डर की वजह से बयान देने नहीं गया हूँ, पुलिस से भयभीत हूँ पूरी तरह। किस तरह की कार्रवाई सरकार से आप चाहते हैं? मैं तो सर माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी प्रशासनिक उच्चाधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़ कर ये कह रहा हूँ, विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस दरोगा से और पुलिस की प्रताड़ना से बचाया जाए। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सर? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मेरा अपना ओपिनियन तो ये। योगी जी रोक पाएंगे भ्रष्टाचार को? ये तो मैं कुछ सक्षम कहने में नहीं हूँ। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरोगा जी रिश्वत लेते दिख रहे हैं 500 रुपए की। ककोड़ ताना में, ककोड़ ताना में वीरपाल सिंह दरोगा है, उनके खिलाफ कंप्लेंट आया, आज मीडिया में भी आया, उनका मैं लाइन हाजिर कर दिया, CEO सिकंदराबाद का जांच दे दिया, 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए उनका आर्डर है। हमेशा दोनों तरफ का सुनना है, ये SI के खिलाफ आया है उनका भी बयान लिखेंगे, वो कौन क्लेम कर रहा है मुझसे पैसा पूछा उनका भी बयान लिख करके मैं देखूंगा, वो दोषी आएंगे उनके खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई होगा। ओके सर, ओके।